मैं मुस्लिम भाई बहनों से एक बात पूछना चाहूँगी कि आपकी कुरान में सुरा नंबर 9 आयत 5 में क्या लिखा है? मुझे बताओ ये 24 आयतों के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां भी मिले और वो तुम्हारे अल्लाह को कबूल करने से मना कर दे उसका कत्ल वाजिब है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक कहाँ, मुशरिक यहाँ लिखा है, मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। हाँ। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। हाँ। है ना, ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता। हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहाँ कहीं पाओ वहाँ घात करो, वहाँ कत्ल करो, वहाँ मार। तो सुनो, सूरा नंबर 9 यानी सूरा तौबा आयत नंबर 5, 6, 7, 8 में अल्लाह फरमाता है, जिसका माने ये है कि हुरमत वाले महीनों में जंग मत करो, इनके अलावा उन मशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर डालो जिन्होंने तुम्हें घर से बेघर कर दिया, जिन्होंने तुम्हारे बाल बच्चों को कत्ल कर दिया, जिन्होंने तुम पर जुल्म व सितम किया, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे दीन से दूर करना चाहा, ऐसे लोगों को जहां पाओ कत्ल कर दो। तो लोगों को यूं मिसगाइड मत किया करो, अल्लाह उन मुशरिकों को कत्ल करने का हुक्म दे रहा है जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया, जिन्होंने मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों के बच्चे को कत्ल कर डाला, ऐसे लोगों को अल्लाह कत्ल करने का हुक्म दे रहा है। और अल्लाह इसी आयत में ये भी फरमाता है कि वो मुशरिक जिन्होंने तुम पर जुल्म व सितम किया, अगर वो तुमसे अमन मांगे तो उन्हें अमन भी दे दो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह सूरे मुमतहीना आयत नंबर 8 में ये फरमाता है, और जो मुशरिक और काफिर तुम्हारे साथ भलाई और अमन के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो तुमसे जंग नहीं करते, वो तुम्हें तुम्हारे घर से बेघर नहीं करते, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे दीन की वजह से नहीं लड़ते, ऐसे लोगों के साथ तुम मोहब्बत के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ तुम इंसाफ करो। ये है हमारा दीन। हमारा दीन किसी बेकसूर पर जुल्म करना और उसे कत्ल करने का हुक्म नहीं देता, बल्कि सबके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहने का हुक्म देता है। और मुझे बताओ, कौन सा ऐसा धर्म है जिसने ये कहा हो कि जुल्म सह लेना? हमारा दीन जुल्म सहना नहीं सिखाता। जिन्होंने हम पर जुल्म किया, अल्लाह ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया था, ना कि हर मुशरिक और काफिर को। तो लोगों को ऐसे मिसगाइड मत करो, और कमेंट में इस्लाम जिंदाबाद जरूर लिखें।